तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंज्यूमर कोर्ट में अगर आपका कोई कंप्लेंट करनी है ऑनलाइन, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, किसी ने आपसे ज़्यादा पैसे लिए हैं, गलत प्रोडक्ट दिया है, और कुछ भी है, उसके रूल क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं और उसमें आपका कितना खर्चा आ सकता है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो कंप्लेंट करना चाहते हैं उनके तो काम आएगी आएगी, जो नहीं करना चाहते क्या पता उनको आगे ये काम आ सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे आपको लिखना होगा कंज्यूमर हेल्पलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन। जैसे आप ये यहाँ पे लिख के टाइप करते हो और सर्च करते हो, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको जो लिंक मिलेगा कंज्यूमर हेल्पलाइन, नीचे आपको लिखा होगा कंज्यूमर हेल्पलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे आप इस पेज पर पहुँचोगे, तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर मिल रहा है, मतलब आप सीधा सीधा इस पे 1800-11400 पे सीधा सीधा आप कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन करने में दिक्कत आ रही है, अगर आपको टाइप करने में दिक्कत आती है, कुछ लोग चला नहीं पाते कंप्यूटर, तो आप इस फ़ोन पे सीधा सीधा कॉल कर सकते हैं और आपकी कंप्लेंट हो जाएगी। तो आपको इसके मैं रूल बता देता हूँ कि कंप्लेंट करने के क्या क्या रूल हैं और क्या क्या आपको फॉलो करने हैं। तो देखो, अगर आपकी 0 रुपये से लेके 1 लाख तक की कोई भी कंप्लेंट है, तो उसके लिए आपको 100 रुपये देने होंगे, और 1 लाख से ऊपर 5 लाख तक की कोई कंप्लेंट है तो उसको आपको 200 रुपये देने होंगे, और 5 लाख से लेके 20 लाख तक की कोई कंप्लेंट है तो उसके लिए आपको 500 रुपये देने होंगे। और ये जो मैंने पैसे बताए हैं, ये टाइम के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको यही पैसे देने हो, क्या पता ये पैसे आगे जाके बढ़ भी सकते हैं। तो मैं आपको हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बता दिया कि आप अगर फॉर्म वगैरह नहीं भरना चाहते ऑनलाइन आके, तो आप सीधे सीधे इस पे कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कर दें। तो मैं रूल बता रहा था, तो रूल है इसके कि अगर आप किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपको वो गलत प्रोडक्ट मिल जाता है, उसके बाद आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कंप्लेंट कर देंगे, आप उस दुकानदार से कांटेक्ट करोगे। अगर वो प्रोडक्ट चेंज करने के लिए तैयार है तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोडक्ट खरीदा और मेरे पास गलत आ गया, मैंने सीधे कंप्लेंट कर दी, क्योंकि जब तक आप उस दुकानदार से बात नहीं करोगे, अगर वो नहीं मानता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने 15 रुपये की चीज़ 20 रुपये में कोई बेच रहा है ज़बरदस्ती, और वो कह रहा है मैं तो 20 की दूंगा, जो करना है कर लो, लेकिन आपके पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, तो आप कंप्लेंट कर दोगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर उल्टा ही वो कंप्लेंट कर दे कि ये मेरे ऊपर इसने झूठी कंप्लेंट करी है, तो मानहानि का कंप्लेंट वो आपके ऊपर कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने ही जाल में फंस जाओगे। तो पूरा प्रूफ होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, उसी से आप कंप्लेंट करें। और अगर कोई दुकानदार नहीं मानता है तो कंप्लेंट करें, ऐसे नहीं डायरेक्ट कंप्लेंट कर दे। और मैं आपको बता देता हूँ, ये आप कर सकते हो 9:30 बजे से 5:30 बजे शाम के PM तक, यानी 9:30 AM से लेके 5:30 PM के बीच में कर सकते हो। और जो भी कोई नेशनल हॉलीडेज आते हैं, फॉर एग्जांपल दिवाली, संडे, या फिर कोई भी चीज़ आती है हॉलीडे, तो उस टाइम पे आप नहीं कर सकते हो। और आप इसको SMS के थ्रू भी कंप्लेंट कर सकते हो। SMS का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो 8130009809। आगे जाके नंबर चेंज भी हो सकते हैं, करंट में जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे यही नंबर अवेलेबल है। रजिस्टर ऑनलाइन यहाँ पे लिखा है, रजिस्टर ऑनलाइन में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन में आपको क्लिक करना है, आपको अपनी डिटेल भरनी है, अपना नाम, ईमेल आईडी, और जो आपकी शिकायत है उसके बारे में सारी डिटेल भरनी है, और आप उसको सबमिट कर देना, आपकी कंप्लेंट हो जाएगी। तो सबसे सिंपल तरीका है, आपको कॉल करनी है, कॉल में आप सारी डिटेल बता दीजिए, आपको कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। तो यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प हुई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूले, जिससे औरों की भी हेल्प हो सके। और ऐसी वीडियो मैं आपको ला के देते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।